अक्षय कुमार की मल्टी स्टार फिल्म हाउसफुल 4 के दो पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं। अक्षय ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म के दोनों पोस्टर शेयर किए हैं। पहले पोस्टर में अक्षय दो अवतार में नजर आ रहे हैं। पहले फोटो में वो हाथों में धनुष लिए योद्धा की शक्ल में नजर आ रहे हैं। इस लुक में वो काफी गुस्सेल दिख रहे हैं। उनकी फोटो के ऊपर लिखा है बाला शैतान का साला। दूसरी फोटो में दो अक्षय कुमार दिखाई दे रहे हैं, एक योद्धा वाले लुक में और एक कूल लुक में। पोस्टर में नजर आ रहा है कि 2019 वाले अक्षय 2019 वाले अक्षय का चेहरा दबा रहे हैं। पोस्टर शेयर करते हुए खिलाड़ी ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया है। अक्षय ने ट्वीट करते हुए लिखा है मिलिए 1419 के रामकुमार बाला और 2019 के लंदन रिटर्न हैरी से। इस ट्वीट के साथ अक्षय ने यह भी बताया है कि फिल्म का ट्रेलर 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। जैसा कि अक्षय ने बताया था कि हर घंटे फिल्म का पोस्टर रिलीज होगा, तो फिल्म का दूसरा पोस्टर भी सामने आ गया है। इस पोस्टर में रितेश देशमुख एक डांसर के लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा देखिए कहानी जो शुरू हुई है 1419 में मगर खत्म होगी 2019 में। मिलिए वांगडू और रॉय से जो कि आपको पागल बनाने के लिए तैयार है। रितेश ने अपना पोस्टर शेयर करते हुए लिखा एक सिक्के के दो पहलू रॉय और वांगडू महाराज क्या मोड़ लेगी इनकी कहानी जानिए। इससे पहले अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया था जिसमें फिल्म के टाइटल के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि पोस्टर के साथ अक्षय ने यह भी बताया था कि साल फिल्म में 1419 से लेकर 2019 तक का वक्त दिखाया जाएगा। साथ ही अक्षय ने बताया कि आज हर घंटे फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया जाएगा। बता दें कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में पर्दे पर आ चुकी हैं और इन तीनों ही फिल्मों को दर्शकों का खूब प्यार मिला। अब तक आई हाउसफुल के सभी पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की है। मेकर्स की ओर से दावा किया जा रहा है कि हाउसफुल 4 अपने पिछले तीनों पार्ट की तरह ही जबरदस्त कॉमेडी और कहानी लेकर आ रही है। फिल्म को साजिद नाडियावाला ने प्रोड्यूस किया है और इसका डायरेक्शन फरहाद सामजी ने किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सैनन, कृति खरबंदा, पूजा हेगड़े, चंकी पांडे नजर आएंगे। आपको फिल्म का पोस्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं।